हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चला था परमाणु संरचना, उस परमाणु संरचना में अपना जो चला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित जो नियम थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, यानी पाउली का ऊपर जो नियम, हुंड के अधिकतम गोलकता नियम, एन प्लस एल नियम और अर्धब्रेक पूर्णब्रेक असुविस्थायित्व का नियम। इस नियम जो हो गए तो अपने सभी कंप्लीट हो गए थे। आज अपन करेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना। तो टॉपिक रहेगा अपना तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ पॉइंट है उनके बारे में अपन आज हल्का सा डिटेल करते हैं, फिर अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास से जो संबंधित जो बिंदु है, तो पॉइंट नंबर एक है अपना किसी उदासीन परमाणु, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होती है। यानी किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और यदि परमाणु उदासीन नहीं है यानी धनायन है तो धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही कम हो जाएगी जितना उस पर धनावेश होता है, और यदि ऋणायन है तो ऋणायन में इलेक्ट्रॉन संख्या उतनी ही वृद्धि हो जाती है जितना उस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर दो है अपना किसी कोष में कक्षकों की संख्या, किसी कोष में कक्षों की संख्या कितनी होती है, एन स्क्वायर। ठीक है, वह किसी कोष में कक्षकों की संख्या कितनी एन स्क्वायर होती है, यानी कोई भी कोष है उसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है अपनी एन स्क्वायर होती है। ठीक है, और किसी भी जो अपना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षक में, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है, कितनी होती है 2n स्क्वायर। ठीक है, नंबर तीन है अपना किसी उपकोष, उपकोष कौन सा था अपना एस पी डी एफ, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 12 + 1 होती है, यानी किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी 2 × 12 + 1। यह एल क्या है, एल होती है अपनी द्विगुच्छीय क्वांटम संख्या, और एन क्या होती है यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। ठीक है, नंबर चार है किसी कक्षक में अधिकतम, किसी कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे दो, यानी ऐसे कोई बॉक्स होगा उस बॉक्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपने दो ही होंगे, एक क्लॉकवाइज चक्रण और एक एंटी क्लॉकवाइज चक्रण, यानी चक्रण क्वांटम संख्या के आधार। ठीक है, पॉइंट नंबर पांच है अपना ये भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन
उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के भरा जाता है, फिर भरा जाता है अधिक ऊर्जा वाली कक्षा, यानी इसका निर्धारण अपन करेंगे एन प्लस एल नियम से। इससे एन प्लस एल नियम से जिस परमाणु कक्षा के लिए एन प्लस एल का मान कम आ रहा है उसकी ऊर्जा होगी कम, और जिस परमाणु कक्षा के एन प्लस एल का मान अधिक आता है उसकी ऊर्जा होगी अधिक। ठीक है, तो इन विभिन्न परमाणु कक्षों के आधार पर जो जो कक्षों की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्रम क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस प्रकार की 1s 2s इस ऊर्जा क्रम क्या होगा ऐसे, यानी विभिन्न n प्लस l नियम मैंने आपको बता दिया विभिन्न परमाणु ऊर्जा क्रम पर ऐसा होगा, इस क्रम के अनुसार अपन उनको भरे हुए। ठीक है, तो यह था अपनी लग विभिन्न परमाणु कक्षों की ऊर्जा का क्रम। तो एक नेक्स्ट अपना पॉइंट नंबर 6 चलता है इसमें कि सभी इलेक्ट्रॉन को पहले क्या भरे जाएंगे अयुग्म, सभी इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा विभिन्न परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन एक एक जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मित की बजाय अयुग्मित अवस्था में रहना अधिक पसंद करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहना अधिक पसंद करते हैं, यानी विभिन्न परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा तब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मित बजाय अयुग्मित अवस्था में अधिक रहना पसंद करते हैं। तो यह तो था अपना जनरल इंट्रोडक्शन विभिन्न परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते समय का जनरल इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।